नमस्ते राम राम सत श्री अकाल आदाब भारत माता की जय। साथियों मेरे को भी मेरी सिस्टर का टेलीफोन आया था और एक मैसेज भी मुझे आया है। अजय है कोई अजय भाई गांव है ठोट कैथल में है ठोट गांव और उनका कोई बेटा अमेरिका में है जिनको कालों ने गोली मार के मदद उसको मार दिया। वो बेटा अकेला है माँ बाप का और कुछ दिन पहले अमेरिका गया था। माँ बाप का बड़ा चाव था कि बेटा अमेरिका जाएगा कमाएगा लेकिन गंदे हर देश में होते हैं हमारे भी है नशेड़ी कुछ लोग और उन देशों में भी कुछ लोग। मैं ये वीडियो आपके माध्यम से वायरल करना इसको ताकि मैं उस लड़के तक पहुंच सकूं। उस लड़के की डेड बॉडी क्यों नहीं आ रही मेरे को तो मेरी सिस्टर ने भी बताया है कि कहां दिक्कत है क्या परेशानी है। उन नंबरों तक जाने के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस बच्चे को जो कैथल जिले का है क्या नाम उस बच्चे का मैं नहीं जानता। मेरे को तो कल मेरे को आज मेरी सिस्टर का टेलीफोन आया था अभी मेरे को एक मैसेज आया कि मैं भाई साहब ठोट गांव का हूँ अजय राणा है कोई लड़का और उसने कहा कि मेरे गांव का लड़का है उन्होंने एक नंबर भी दिया था वो नहीं मिल पा रहा। तो मैं आपके माध्यम से उसके परिवार उस बेटे तक जाना चाहता हूँ। वो बेटा अमेरिका में किस जगह पे है उसकी कहाँ मौत हुई उसको अभी क्या स्टेटस है कहाँ दिक्कत आई हुई है उस बेटे की डेड बॉडी लेके आने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है मैं उसकी मदद करूंगा। साथियों ये वीडियो उस घर तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है क्योंकि आपकी भी और मेरी भी पूरे भारतीयों की जिम्मेवारी है। उस बच्चे की डेड बॉडी लेके आने के लिए हम सभी मदद करेंगे। तो साथियों मैं आज बॉम्बे में हूँ मैं आ जाऊंगा शाम तक चंडीगढ़ लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। आज वो जो ठोट गांव का लड़का है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मुझे आज आपकी जरूरत है कि उस लड़के तक कैसे पहुंच सके हम। वो इकलौता लड़का उसके माँ बाप का बुरा हाल हो गया होगा रोते रोते कि उस बच्चे की डेड बॉडी अभी मेरी सिस्टर ने जैसे बताया कि भाई उस बच्चे की डेड बॉडी लेके आने के लिए प्रोसेस का नहीं पता यहाँ वहाँ कोई उनका आदमी नहीं होगा या कोई जानकार नहीं होगा। तो मैं उस भाई का मैं बड़ा भाई हूँ ये समझ लेना और मैं कैसे वहां तक पहुंचू मुझे वहां की पूरी जानकारी चाहिए। मैं आपके माध्यम से उस घर परिवार तक जाना चाहता हूँ। उस बच्चे का कौन से शहर में उसकी मृत्यु हुई उसकी शहर में उसको गोली मारी गई उस बच्चे का अभी तक कागज कार्रवाई क्या चल रही है वो सारी की सारी चीज मुझे आपके माध्यम से जानकारी लेनी है। इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना ताकि हम वहां तक पहुंच सके और मैं उस बच्चे की जितनी ज्यादा से ज्यादा हेल्प होगी मैं उसकी हेल्प करूंगा। मैं मुझे वो नंबर टेलीफोन नंबर वो चीज चाहिए किस शहर में है कहाँ पे है उसकी डेड बॉडी किस स्टेट में है वो उनके आसपास का कोई नंबर ऐसा हो कि मतलब वहां का कोई नंबर ऐसा हो अमेरिका का कि उसके नजदीक उस डेड बॉडी के नजदीक कोई हो उस हॉस्पिटल के कोई नजदीक हो तो मैं उसके साथ बात कर लूंगा। उसका कहाँ पे कागज कार्रवाई की दिक्कत है मैं 100% अपना दूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा उस बेटे की डेड बॉडी को यहाँ तक लेके आने की। अगर जरूरत हुई तो भाई भी जाएगा वहां पे मेरा छोटा भाई वहां पे है डॉक्टर जसवीर रोहान और अगर उससे भी ज्यादा जरूरत हुई तो मैं भी चला जाऊंगा अमरीका मेरे भाई के लिए। अगर किसी भी भाई को इस तरह की कोई दिख दुख तकलीफ है मैं हमेशा उनके लिए काम करना चाहता हूँ। तो मैं आज आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा साथियों कि जिस बच्चे को अमेरिका में गोली मार दी गई उस बच्चे की पूरी जानकारी मुझे चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूं ताकि उस बच्चे तक मैं पहुंच सकूं। उस बच्चे की डेड बॉडी कैसे आए उसमें कितना खर्चा हुआ खर्चा तो लगभग 18 से 20 लाख रुपए के आसपास होगा। तो मैं आपके माध्यम से वहां तक जाना चाहता हूँ। आप इसको शेयर करना कोई नंबर ऐसा देना
मैं वापस उसके माँ बाप का नंबर देना, क्योंकि मेरी सिस्टर का टेलीफोन आया था कि ऐसे ऐसे मैंने एक वीडियो देखी है, और आज एक उसके गांव का लड़का है अजय, उसका भी टेलीफोन मेरे को एक मैसेज आया था, लेकिन वो नंबर अभी नहीं मिल पा रहा जो नंबर उन्होंने दिया। कोई ऐसा नंबर दे जो नंबर मिल जाए और मैं उस लड़के तक पहुंचूं, उस लड़के का नाम और पता क्या है।